हाय सचिन, वेरी वार्म वेलकम फॉर आवर पॉडकास्ट नंबर 1 टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस। और आज मैं पहला पॉडकास्ट अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हमारा जो मेजर पर्पस है ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का सचिन, वो ये है कि लाइक यू आर अ प्रोफेशनल हु हैज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 ईयर्स इन टू फाइनेंस इंडस्ट्री, राइट? सो हाउ यू गॉट इन टू दिस काइंड ऑफ रोल, और आपकी क्या जर्नी रही है, और आपकी जर्नी से इफ वी कैन लर्न समथिंग, राइट? अप्स एंड डाउन्स या कुछ भी जो कि एस्पायरिंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। सो आई एम अ करियर कोच, आई विल गिव एन आइडिया अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, एंड माई मेजर गोल इज टू हेल्प एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स, एंड इफ दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन द करियर पाथ, एंड इफ दे आर लुकिंग फॉर जॉब इंटरव्यू स्टफ लाइक दैट, सो आई हेल्प देम आउट देयर, राइट? एंड आपका भी उसमें वही योगदान रहेगा, दे कैन इंस्पायर फ्रॉम यू एंड दे कैन लर्न द फंक्शनल थिंग्स अराउंड इट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम सचिन। थैंक यू रितेश फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई मस्ट से कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस आल्सो, राइट, टू इंटरेक्ट विद यू एंड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स और हमारी जनरेशन। और मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंसेस सो दैट योर अपना जो खुद का टाइम है वो सेव हो सके। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं किसी को बता सकूं और उससे उसकी लर्निंग और उसका कुछ टाइम बच जाए, दैट्स द मेन थिंग आई थिंक आई वॉन्ट टू ग्रेट कन्वे। ग्रेट सचिन, ग्रेट। आप बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपके भी यही व्यूज हैं, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सचिन, मैं ऑडियंस के लिए भी बता देता हूँ कि यू आर समवन हु हैज फिनिश्ड योर CA, चार्टेड अकाउंटेंट, राइट? CS योर कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेशन, MBA भी कराया आपने, MCOM भी करा है, और आप बिग फोर के साथ काम कर रहे हैं अभी भी, और पहले भी काफी कर चुके हैं, है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ सचिन कि कैसे आपने ये सब इतना सब अचीव कर लिया, राइट? और मतलब इट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन एनीवन, यू नो, सो मेनी अचीवमेंट्स। आई हैव सीन पीपल की जिनकी CA हो जाती है बट वो बिग फोर में नहीं जा पाते हैं, राइट? और CS भी करना साथ में, और दिस इज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। तो कैसी रही है जर्नी, थोड़ा आप जर्नी के बारे में बताओ अपनी, यू नो, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी इट इज। सो विदेश, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड द ऑडियंस, आई वाज फ्रॉम अ वेरी टिपिकल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। दैट स्कूल टाइमिंग वाज 1 PM टू 6 PM बॉयज स्कूल, 12 ईयर सेम स्कूल, राइट। गवर्नमेंट स्कूल में क्या हुआ कि जब हम गवर्नमेंट स्कूल में थे ना, तो हम सिर्फ 34 नंबर लाने के लिए पढ़ते थे। 100 में से 34 नंबर चाहिए होते थे और पास लिखाना चाहिए था मार्कशीट में ना। हमें कोई मतलब ही नहीं था फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का, कोई वो ही नहीं था, सिर्फ पास होना था, ठीक है। और 12th क्लास तक तो पता ही नहीं था कि CA क्या होती है। 12th तक हमें ये भी नहीं पता था, इनफैक्ट 12th में भी हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमें सिर्फ 34 नंबर चाहिए होते थे, और मेरे तो 60-60% नंबर थे, और उसमें भी मैं क्लास में सेकंड था। तो हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो हम ये अभी कर रहे हैं ना हितेश, ये हमारे टाइम पे नहीं हुआ, और जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये हमें सुनने को नहीं मिली। सो बेसिकली हमें पता ही नहीं था कि 12th के बाद, बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं पता थी हमें, हमें ये भी नहीं पता था कि 99% चाहिए होते हैं, SRCC नाम का कोई कॉलेज है या फिर CA नाम का कोई कोर्स है। बिग फोर के बारे में, यू वॉन्ट बिलीव मी, बिग फोर के बारे में मुझे CA फाइनल में आने के बाद पता लगा, जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि बिग फोर है क्या। सो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज थी हमारे टाइम पे ना, और इतना ज्यादा इंटरनेट और यूट्यूब भी नहीं था उस समय, ना इंटरनेट फ्री होता था। सो टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल से सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करी, फिर गवर्नमेंट स्कूल से जब निकले तो भी पता नहीं था कि CA करनी है, तो भी कुछ नहीं पता था क्या करना है, बस बीकॉम में चले गए। बट जब देखा लोगों को, जब पता लगा कि CA क्या होता है उसके बारे में पता लगा, और जब ये पता लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 12th तक हमें गाइडेंस नहीं मिली। अगर 12th तक हमें गाइडेंस मिलती तो हम भी एक रेगुलर कॉलेज में होते। बट उसके बाद जब गाइडेंस मिलना स्टार्ट हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से और भी लोगों से, तो पता लगा कि हमारे अंदर भी वो काबिलियत है कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं जो और लोग भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद स्टार्ट हुई CA की जर्नी, CS की जर्नी, और ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था CA करने का कि और जो बाकी कोर्सेज हैं, चाहे आप कोई भी कोर्सेज ले लें, प्रोफेशनल कोर्सेज, उन सभी में फीस रिक्वायर्ड होती है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ अमाउंट, आपको पैसा बहुत लगता है, फीस होती है, मतलब इंस्टीट्यूट की फीस भी काफी ज्यादा होती है, चाहे आप कोई रेगुलर कोर्स भी उठा लें, राइट। CA एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे फीस काफी कम लगी मुझे, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि इस कोर्स की फीस कम है तो मुझे पता लगा यार कोचिंग इसकी बहुत महंगी है, इट्स वेरी कॉस्टली कोचिंग, है ना। फिर मैंने ये इवेल्युएट किया कि क्या कोई दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो बिना कोचिंग के CA करी है किसी ने। द आंसर इज यस, देन इट इज पॉसिबल, राइट।
इफ द आंसर इज नो देन वी नीड टू एक्सप्लोर वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, बट इफ द आंसर इज यस तो पॉसिबल तो है ये, तो मुझे पता लगा हाँ आंसर तो यस है। तो मुझे लगा कि जो ये लड़के बच्चे कह रहे हैं कि कोचिंग लेनी पड़ेगी और दो दो तीन तीन लाख की कोचिंग है, तो ये मैंडेटरी तो नहीं है टू क्लियर द सी, तो फिर मैंने उस वाले पाथ में मैं गया ही नहीं कि वो मैंडेटरी चीज नहीं है तो नहीं ली। इंस्टीट्यूट की फीस भरनी है 22,000 रुपये, वो मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी चीज करी और उसके साथ साथ सीए का जर्नी खत्म करी। तो दैट्स इट्स अ ब्रीफ अबाउट द करियर। बट सचिन, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं, उनके माता पिता उन्हें बहुत अच्छे अच्छे ट्यूशंस दिलवा रहे हैं, तब भी वो नहीं कर पाते सीए, राइट? और मैं भी उनमें से एक हूँ, आपके साथ ही मैंने ट्यूशन पढ़ी है तो आपको याद ही होगा। तो मैं भी ट्राई किया बट मेरे से नहीं हुआ वो, राइट? तो ऐसा क्या स्पेसिफिकली आपको लगता है आपकी जर्नी में जो आपका एक इंग्रेडिएंट था, राइट, आपके खुद का स्किल बोल लो, क्वालिटी बोल लो, जिसकी वजह से आप कर पाए, तो वो मैं जानना चाहता हूं, अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे कि क्या आप ऐसा यूनिक कर रहे थे जो और बच्चे नहीं करते हैं। ओके ठीक है, यूनिक क्या कर रहे थे उसमें बाद में आऊंगा, बट यूनिक क्यों कर रहा था पहले मैं उसमें आता हूँ कि क्यों मैंने वो यूनिक किया, उसका ट्रिगर क्या था। तो मैं अपनी जर्नी की जो पूरी कहानी है या आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बेस्ड है कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, और वो मैं आज भी फॉलो करता हूँ बहुत ज्यादा। तो मुझे अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सरकमस्टांसेस मैं ये देखता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस टाइम जो सरकमस्टांसेस थे, चाहे वो फैमिली के हों चाहे मेरे खुद के हों, तो वो सरकमस्टांसेस ने ही मुझे मोटिवेट किया कि हमें करनी तो है चीज। और मैं अगेन हितेश उस बात पे फोकस डालूंगा कि अगर आप कोई भी चीज करने हो दुनिया में, किसी एक बंदे ने भी वो करी है तो आप कर सकते हो, और एक बंदे ने नहीं करी है तो आप फिर वो पहले फर्स्ट बंदे बनो। तो सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ रियलाइजेशन जो है मेरे लिए एक हमेशा मेरे साथ थी। अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चन पे कि वो कौन सी चीज थी जिसके बलबूते पे मैं कहता हूँ कि ये सफलता या जो भी है मिली। वो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो था, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि पूरी जर्नी में, अब तो पता नहीं मैं कितना फॉलो कर पा रहा हूँ उसको, लेकिन जब मेरी सीए की या ये जर्नी थी तो मेरा कॉन्सेप्ट एक ही होता था, वो था कि आई शुड नॉट वेस्ट माई सिंगल मिनट, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, पहला। ठीक है। दूसरा, जो मैं पढ़ता था जनरली वो मुझे एक बार में याद हो जाता था क्योंकि मैं उसको पढ़ ऐसा रहा होता था कि मैं उसको बिल्कुल ध्यान से बिना कहीं और ध्यान भटकाए पढ़ रहा होता था, और टाइम वेस्ट नहीं करना मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसको मैं कैसे फॉलो करता था, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हाँ हम जी। लोग बस में कहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है, अब बस की जर्नी है 1 से 1.5 घंटे की, या फिर बस, तो मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, मैं मंदिर जाता हूँ डेली, तो मैं घर से जैसे मंदिर जा रहा हूँ, राइट, अब घर से मंदिर जाने की जर्नी 2-3 मिनट की है, ठीक है, अब उसमें इंसान क्या करेगा, नॉर्मली 2-3 मिनट पैदल चल के चले जाएगा, या बस में करेक्ट भी 1-1.5 घंटा अपना जी। ट्रैफिक में या गाने वाने सुन लेगा, ठीक है। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि उस टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया, और मैंने यूट्यूब की वीडियो देखी होगी आइडली। दो चीजें करी मैंने, या तो मैंने क्या करा, फोन में किसी की वीडियो चला ली रिविजनल लेक्चर जो यूट्यूब पे अपलोडेड थी, या किसी की ऑडियो बुक्स आती थी वहां पे वो चला ली, रिविजनल लेक्चर चला ली और वो सुनता गया बस में, पूरे टाइम वो सुने। अब वो कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा हुआ है फ्री में रिवाइज हो गया, मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी, सब कुछ और ध्यान से सुनी है। ये तो हो गई लंबी। अब मानो मैं 2 मिनट मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे यूटिलाइज करूँ, 2 मिनट में ऑडियो तो चलाऊंगा नहीं, तो मैंने बनाई छोटी छोटी चिट्स, ठीक है। अब जैसे हमारा एक सब्जेक्ट था आईटी, हाँ जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका बोलते थे, अब उसमें क्या हेडिंग्स याद करनी होती थी कि बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसकी हेडिंग पता होनी चाहिए अंदर कॉन्टेंट, बेनिफिट क्या है उसकी हेडिंग, वो मैंने लिख ली बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की हेडिंग, वो पर्ची देखते हुए चल रहा हूँ, ट्रस्ट मी वो कभी भूलोगे नहीं आप। तो मैं कह रहा हूँ कि टाइम यूटिलाइजेशन, मतलब टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं इसे, कि आप एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं होने दे रहे, और जहां जहां आपको लगता है कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करके पढ़ाई में डाल सकता हूं तो वो आप डालते थे, राइट? चाहे वो कम्यूटेशन करना हो या कुछ भी करना हो, दो दो मिनट भी आप कह रहे हो कि आपने डाले हैं, राइट? तो वो बहुत अच्छी बात है सचिन, कुडोस टू यू। सो सबको इंस्पायर होना चाहिए देख के कि दो दो मिनट भी वैल्यू करते हैं, राइट? सो वेरी गुड, ऑसम, ग्रेट टू नो। तो सचिन, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं, यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है कि जो कि सीए कंप्लीट नहीं कर पाते, राइट, इंटरमीडिएट हो जाता है जिसे हम आईपीसीसी बोलते हैं, बट सीए फाइनल्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपाधापी में लग जाते हैं, आर्टिकलशिप में चले जाते हैं, थोड़ी हवा लग जाती है बाहर की, राइट, पैसा आने लगता है। तो मैंने देखा है देर आर मोर देन 70-80% की जो इंटर करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, या फिर फैमिली का प्रेशर आ जाता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि, मैंने भी अपने आसपास देखा है, वो लोग काफी टूट जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, सीए के बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं, राइट, और सैलरीज भी उन्हें इतनी नहीं मिलती। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या उनके लिए भी स्कोप और ग्रोथ है आगे, और अगर है तो वो क्या कर सकते हैं, और मतलब आप इस पर थोड़ा सा बताइए। ओके ओके
जैसे सीए जो नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो पा रही है, पहला तो मेरा सजेशन ये है कि ये उनको देखना पड़ेगा कि उन्हें फॉलो करना है कि नहीं करना। आपके क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा। पहला मेरा सजेशन ये है कि अगर आप मंजिल के बहुत करीब हो तो उसको छोड़ो मत। मेरा कहने का मतलब है, आप कह रहे हो कि नहीं भाई मेरी फैमिली में बहुत प्रेशर है, मुझे पैसे कमाने हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कमाओ, कोई मना नहीं है, छोड़ दो सीए, बिल्कुल पैसे कमाओ, कोई पढ़ाई मत करो, आराम से जॉब पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम देने चले जाओ। मेरे कहने पे 3 दिन 4 दिन की बात है, एग्जाम देने चले जाओ। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप जीरो हो एग्जाम में ना, आपके 30 नंबर 40 35, एक बार ऐसा होगा कि वो 40 आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम देने जाओ, चाहे 5 साल तक जाओ, 6 साल तक जाओ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत करीब आ चुके हो, तो एग्जाम देना नहीं छोड़ना। ठीक है, पहली चीज तो ये। हाँ, एग्जाम के लिए लोड मत लो, प्रेशर मत लो, फैमिली वालों को मत बताओ कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, किस कुछ मत करो, बस अपने लिए एग्जाम देते रहो। ठीक है, अब आते हैं उस पे कि वो बच्चे फिर करे क्या। देखो, सीए के साथ मुझे लगता है कि अदर कोर्सेज भी आपको करने चाहिए, चाहे वो बीकॉम हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो आप साथ साथ करते रहो, क्योंकि वो हेल्प करेगा आपको बहुत सारी चीज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ और गवर्नमेंट जॉब पे भी बहुत सारा बताता हूँ। तो अगर आपने बीकॉम कर ली, अब आपको लगता है कि मेरी सीए नहीं हो पाई, बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है, तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब में बैठने के लिए आपको बीकॉम चाहिए, एमकॉम की डिग्री चाहिए, तो एक तो गवर्नमेंट जॉब आप ट्राई कर सकते हो साथ साथ। गवर्नमेंट ठीक है, जॉब भी नहीं मिल रही, कई बच्चे की आर्टिकलशिप हो जाती है। अब अगर आपकी अच्छा आर्टिकलशिप हो गई ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट बनाओ अपने आप को, जिस ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में आपने आर्टिकलशिप करी है। और अल्टीमेटली क्या है कि अगर आपको जॉब करनी है, तो एक सब्जेक्ट मैटर आपको लेना ही पड़ेगा, उस ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट बनो। उस सब्जेक्ट मैटर की बिग फोर तो नहीं, कोई टायर टू फर्म पकड़ो जो सब्जेक्ट मैटर में अच्छा काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, तो ठीक इनडायरेक्ट है, टैक्स की टायर टू फर्म पकड़ो, 6 महीने 1 साल अच्छे से लर्निंग करो उसकी, भले ही आपके पास डिग्री नहीं है, कम सैलरी होगी। उसके बाद आप सीधा बिग फोर या बड़ी कंपनी में, जो टॉप कंसल्टिंग फर्म है, अगर आपको जाना है उसमें, आप इजीली ट्राई कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑल दो सीए से आपका पैकेज मैच नहीं हो पाएगा इनिशियल ईयर्स में, बट अल्टीमेटली अगर आप बिग फोर या किसी बड़ी कंपनी में पहुंच गए, तो ग्रोथ मिलेगी। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन इस पॉइंट का ये है कि अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है, अपनी लर्निंग और अपनी एक कोर फील्ड चूज करके उस पर काम करना है। और सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। और कोई टूल जो आपको लगता है उन्हें सीखना चाहिए एक्सेल सबसे के अलावा? इम्पोर्टेंट तो एक्सेल है। यस, एक्सेल में ना फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, ट्राई टू यूज कीबोर्ड्स एक्सेल चलाते वक्त, तो एक्सेल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ऑब्वियसली वर्किंग नॉलेज तो आपको एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट की होनी चाहिए, बट मुझे लगता है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी इंटरव्यूज लेता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो टेक्निकल स्किल से ज्यादा मैं एक्सेल चेक कर रहा हूँ। इसका रीजन ये है हितेश, कि अगर कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है या नहीं भी बना है, पर अगर वो फाइनल लेवल तक पढ़ा है, तो अगर वो मेरी टीम में आ जाएगा और मैंने उसको कोई टेक्निकल क्वेरी दे दी ना, तो उसके अंदर इतनी तो कैपेबिलिटी है कि वो टेक्निकल क्वेरी को आंसर में तब्दील कर लेगा बाय डूइंग सम रिसर्च, राइट। पर एक्सेल इज वेरी नेसेसरी। एक्सेल में क्या है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उसका इंटरेस्ट भी है, वो फॉर्मूला लगा पा रहा है, और वो प्रैक्टिस से आता है, तो एक्सेल इज वेरी। ठीक है सचिन। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ सचिन, आजकल ये बहुत सारे रोल्स आ रहे हैं जो कि फाइनेंस के अंदर, जैसे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट आपने सुना होगा है ना, फाइनेंस एनालिस्ट है और क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट है, इस तरीके के काफी सारे रोल्स हैं। और ये रोल्स में अगर आप देखें तो जब भी हम रिक्वायरमेंट देखते हैं तो मोस्टली रिक्वायरमेंट इनमें सीए CS, CFA इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो क्या इसमें बीकॉम वाला बच्चा या ग्रेजुएट वाला बच्चा भी जा सकता है? और इनका क्या स्कोप और ग्रोथ है, क्या सैलरीज होती हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या स्कोप है या नहीं? क्योंकि हम तो ज्यादातर कन्वेंशनल ही जानते हैं फाइनेंस रोल राइट साइड, ये राइट काफी नए रोल्स हैं और काफी बूमिंग है, सबको बड़े सुनने में आ रहे हैं, लोग सर्टिफिकेशंस भी कर रहे हैं। राइट तो हाँ जी बताइए। सो ये बेसिकली आईटी के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज हो गए हैं। जैसे मैं अपनी जॉब भी बताऊं, तो मेरी भी जॉब अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज होती जा रही है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें कई तरह के ऐसे काम करने पड़े हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि हम टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ऐसा करेंगे, राइट। सर्वर्स में जाके कुछ काम कर रहे होंगे, तो ये उसी से कनेक्टेड है। अब रोल पे आने से पहले उस पे आते हैं। अगर आपने किसी भी प्रोफाइल का नाम सुना है, क्रेडिट एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, राइट, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उस रोल को जानिए, और जो लोग उस पर काम कर रहे हैं उनसे बात करके समझिएगा जरूर उनका एक्सपीरियंस क्या है और क्या वो रोल आपसे मांगता है, राइट। और आजकल इतने सारे रोल्स हैं फाइनेंस में भी और नॉन फाइनेंस में भी, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे कर सकते हैं जिसका पता ही नहीं है। ठीक है, तो वो रोल्स पता लगाइए। वो रोल्स कैसे पता लगेंगे, लिंक्डइन से, यूट्यूब से, या फिर जैसे आई एम श्योर हितेश, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, तो आई विल यू विल ऑल्सो लाइक इनवाइट दी पर्सन जो इस रोल्स में है, राइट। तो इनसे सबसे पहले रोल्स पता लगाइए, लोगों से बात कीजिए, फिर चूज कीजिए। और आपका जो वो क्वेश्चन है बीकॉम, और तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर रोल में
इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री कोई भी पर्सन जा सकता है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट जा जरूर सकता है। और मेरा हमेशा वो वाला एग्जाम्पल याद रखिए ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन कि क्या किसी एक बीकॉम ने भी बिग फोर में कोई ऐसा रोल पकड़ा है या किसी टॉप कंसल्टिंग में। इफ द आंसर इज यस देन यू कैन ऑल्सो डू इट। ऐसा तो है नहीं, रूल्स तो सबके लिए सेम ही है राइट। तो 100% अपॉर्चुनिटी है बट आपको सही गाइडेंस और सही रास्ता और पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं। वो पता कैसे लगेगा? बाय टॉकिंग विद द पीपल जो उस रोल में है, सो दैट यू यू कैन सेव योर टाइम। सो यू आर वेरी राइट कि अगर हम उन लोगों तक पहुंच जाएं जो ऐसा हम बनना चाहते हैं तो वो लोग हमें थोड़ा सा बता पाएंगे। तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है सचिन कि नेटवर्किंग कैसे करें, क्योंकि मैंने देखा है कि फाइनेंस वाले जो बच्चे होते हैं ना वो काफी ज्यादातर आई कैन नॉट यूज द वर्ड इंट्रोवर्ट बट दे आर मोर ऑफ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं लोगों से कम इंटरेक्ट करते हैं राइट। वहीं पे अगर हम बीए वाले या फिर जो बीबीए वाले बच्चे हैं वो थोड़े ज्यादा ओपन होते हैं राइट। तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे वो नेटवर्क करे एक बच्चा जो जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है ना, उसे उतनी नॉलेज भी नहीं है, वो अपने ही बच्चों में रहता है, तो कैसे ये सब जाने प्रोफेशनल से, मतलब कैसे वो कर सकता है ये सब। ठीक है। इतने जब हम सीए कर रहे थे आपको याद होगा, एक बार बताओ, जब हम सीए करते थे ओपी करते थे 2 दिन के, जीएमसीएस करते थे, एमसीएस करते थे 15 15 दिन के, एडवांस आईटीटी, तो फर्स्ट थॉट एक सीए स्टूडेंट का क्या होता है जब वो फीस पे कर रहा होता है उस 7,000 रुपए, फर्स्ट थॉट क्या होता है आप बताओ? नेटवर्किंग आई बिलीव ये कुछ लोगों का थॉट है, जैसे कुछ लोगों का थॉट, जैसे मैं तो एक सरकारी स्कूल, मेरा थॉट क्या था, आईसीईआई ने ये पैसा कमाने के लिए रखा हुआ है, बेकार है ये सब, ठीक है टाइम वेस्ट ये है, पैसे कमाने टाइम के लिए। वेस्ट है यार, ये तो बेकार चीज है, ये तो 7,500 रुपए हमसे ले लिए, सड़ा हुआ सा खाना खिला दिया, बिल्कुल बेकार है, टाइम वेस्ट पैसा वेस्ट, लेकिन ये तो मैंडेटरी है इसलिए करना पड़ रहा है। ये था फर्स्ट थॉट। उसके बाद जब जाते हैं तो इंजॉय करके आ जाते हैं 15 डेज ना, बढ़िया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो जो क्लासेस हैं और वो जो है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग आईसीआई कैन डू, दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहा है। इसमें एक चीज बताता हूँ, मेरी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है आफ्टर सीए, ड्यूरिंग द सीए तो नहीं हो पाई इतनी नेटवर्किंग, आफ्टर सीए मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ का एक जो पिलर है वो नेटवर्किंग है। मैं अपने आप को बहुत ऐसा पर्सन मानता हूँ जो नेटवर्किंग करने में बहुत वो है, और नेटवर्किंग से ही मैं अपनी जर्नी का एक बहुत बड़ा ग्रोथ है मेरी प्रोफेशनल जर्नी का नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग द सीए कोर्स आपको करनी करनी है, बाद में भी काम आएगी और लाइफ के हर फेज में काम आएगी। नेटवर्किंग में जो आईसीआई ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है ना, इसमें एक बात मेंशन जरूर करना चाहूंगा, हाँ जब जी आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं ना, जैसे आज मैं प्रोफेशनल बन गया हूँ राइट, प्रोफेशनल बनने के बाद ना आप ये समझिएगा आपके हमेशा कॉलीग्स बनते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स आपके बनते हैं जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बनते, जब तक जितने भी आपने पीछे बनाए वो फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड्स हमेशा लॉन्ग टर्म चलेंगे हमेशा। और कॉलीग्स क्या है अकॉर्डिंग टू द जॉब, मे बी कॉलीग्स भी फ्रेंड्स बन सकते हैं बट जनरली आई एम स्पीकिंग, कॉलीग्स क्या अकॉर्डिंग टू द जॉब छूटते चले जाते हैं। तो ट्राई टू मेक मैक्सिमम फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स कैसे बनेंगे आपकी इन जीएमसीएस, और मेरे तो इतने सारे लोग हैं जीएमसीएस ओपी में मिले थे मुझसे और आज मेरे से भी बड़ी डेजिग्नेशन में बैठे हैं, और मैं उनसे प्रोफेशनली प्लस पर्सनली दोनों लेवल पे कनेक्टेड हूँ, और बहुत सही, फायदे, मतलब नेटवर्किंग का तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। बट कैसे कैसे बात करें, कैसे किसी को अप्रोच करें, अब हम पढ़ाई करें या फिर लोगों से बात करें, ये भी आ जाता है ना कई बार दिमाग में, तो वो कैसे करें। मतलब कईयों को एक इंटरनल इनिबिशन होता है कि यार मैं कैसे किसी को अप्रोच करूं, या फिर कोई सीनियर है, कोई बड़ी उम्र का है, वहां पे काफी वो भी आते हैं, तो कैसे करें कि आप तो जाहिर सी बात है हो सकता है आप काफी अच्छे हो नेटवर्किंग में राइट, पर और कोई कैसे ऑर्डिनरी बच्चा कैसे करे वो। ठीक है, मुझे इसमें ना, जैसे जैसे जब मैं टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल से था तो आपको ये पता ही, इस गवर्नमेंट स्कूल में कोई सॉफ्ट स्किल की क्लासेस तो होती नहीं है, करेक्ट मैं इतना ज्यादा डरता था स्टेज पे जाने से, लोगों से बात करने पे, बट मुझे लगा कि जब मेरे को फील हुई ना नीड कि इसकी नीड बहुत है, तो अपने आप मैंने करना शुरू किया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि कैसे करें, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने जैसे पहले वाला एग्जाम्पल लिया, लोगों को लगता है कि हम कैसे अप्रोच करें, कोई बंदा बिग फोर में है या मैकेंजी में है तो क्यों हमारा वो रिप्लाई करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 10 लोगों को लिंक्डइन में मैसेज करेंगे ना, रिप्लाई आएंगे, 5 से 6 लोगों के रिप्लाई आएंगे, आप उन्हें अगर ये भी लिखेंगे ना कि मेरे को प्लीज अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दो मैं बात करना चाहता हूँ, पक्का आएंगे रिप्लाई, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं आएंगे। अब आप पढ़ाई के दौरान, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं 24 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं क्या करता था आईसीआई ना बहुत सारे सेमिनार्स कराता था हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे वाले भी नहीं, अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट विश्वास नगर चला गया सेमिनार लेने, वहां से तो मैंने इतनी नेटवर्किंग करी, मैं विश्वास नगर चला गया सबसे आगे बैठता था, उसके बाद पूरा सेमिनार हुआ सुना, जो भी आसपास के लोग बैठे उनसे बात करी, नंबर एक्सचेंज हुए, जो स्पीकर है उनसे अगर ड्यूरिंग द सेमिनार क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर बाद में मिलता था मैं कि सर मेरे ये क्वेश्चन थे, और वो जवाब देते थे, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट वहां आए हैं, एक दो लोगों से मिल मिल के आओ डेली राइट, उनके नंबर ले आओ, एक दो लोगों से मिलो, ठीक है, अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो पढ़ने वहां पे लोगों से बात करो,
दूसरा बंदा इनिशिएट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा बंदा भी बात करना चाहता है, ये दो रूल याद रखने हैं आपको। दूसरा बंदा कभी इनिशिएट नहीं करेगा, दूसरा बंदा भी बात करना चाहता बात है, करना चाहता है तो तो दो रूल याद आपको, रखने मतलब कर लो। आपको फर्स्ट मूवर, मतलब आपको पहले अप्रोच करना है बंदे को और फिर सामने वाला भी बात करना चाहता है, ये दिमाग में लेके चाहता है, चलना है। हाँ, कोई भी ग्रुप है उसमें घुस जाओ, 100% सामने वाला भी बात करना चाहता है, बात करना चाहता इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। आप ये मत सोचो कि है। गर्ल्स नहीं, सामने वाला भी बात करना चाहता है, सिंपल, ये दो रूल याद रखना। बहुत बढ़िया सचिन, आप सही कह रहे हो बिल्कुल। मोस्टली लोगों के दिमाग में होता है कि यार कहीं सामने वाला मेरे से बात ही ना करे या मुझे कुछ कह दे, जबकि ऐसा नहीं होता, ये हमारी सोच होती है दिमाग के अंदर। तो बिल्कुल सही कहा आपने सचिन, सो थैंक यू सो मच, इतने वैल्यूएबल आप बातें एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हो, और जो कि हम लोग जानते भी होते हैं बट हम उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं कई बार, राइट? और आप एक जीता जाता एग्जाम्पल हो जो कि इंप्लीमेंट कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम। तो सचिन, अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी यूट्यूब की जर्नी के बारे में, राइट? तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ये सब डिग्रीज ली हैं और अपने प्रोफेशन में तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट आप यूट्यूब भी साथ की साथ मैनेज कर रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ आज की डेट में, जबकि ये तो बहुत, आपने काफी टाइम से आप कर रहे हो, राइट? 3-4 साल से आप कर रहे हैं और अब बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में आ गया है, पर्सनल ब्रांडिंग जिसे हम बोलते हैं, राइट? ब्रांड योर सेल्फ, तो लिंक्डइन हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो कैसे उस पर अपना खुद का कुछ कॉन्टेंट डालें या ब्रांड बनाएं? तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपको कहाँ से ट्रिगर हुआ ये कि आपको करना चाहिए विद फुल टाइम जॉब, और कैसे आप इसे मेंटेन कर पा रहे हो? ठीक है, जितनी भी हम स्टार्टअप की जर्नी सुनते हैं ना, स्टार्टअप की जर्नी में क्या होता है कि जो बंदा है उसको वो प्रॉब्लम फेस हुई, फिर उसने कुछ सॉल्यूशन करना। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ये एनालाइज किया सीए करते वक्त कि जो आईसीएआई है और जो बच्चा है ना उसके बीच बहुत गैप है, ठीक उसको है, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि ठीक आईसीएआई एक डिस्टेंस लर्निंग कराता है, फोन फोन करता है, तो आईसी, ये पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आईसीआई में काफी सारी इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं, जी, लेकिन पहले फोन उठा रहा है, फोन नहीं मिल रहा है, प्रोसीजर्स क्लियर नहीं है, लॉस क्लियर नहीं है, बच्चों को अपने रूल्स क्लियर नहीं है कि आर्टिकलशिप के रूल्स क्या हैं, कितने लीव्स हैं, राइट? अब मेरे को बड़ा होता था, जो भी मैं चीज करता हूँ मैं बहुत परफेक्शन के साथ और रूल्स वूल्स पढ़ के बढ़िया से करता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक बार आर्टिकलशिप ज्वाइन करने का शायद फॉर्म था या वो कंप्लीशन का फॉर्म था, वो भरने की कोशिश करी, मुझे बड़ा टाइम लग गया, मुझे फॉर्म ही नहीं मिला। मैंने बड़ा स्ट्रगल किया कि यार वो मैनुअल जाएगा ऑनलाइन जाएगा, फिर मैंने ऑनलाइन भरा, फिर ऑनलाइन में भी इतनी गलतियां हुई, फिर वो फॉर्म निकला, फिर गलतियां, तो मैं बड़ा परेशान हुआ उस प्रोसीजर में। जब मैंने, तो मेरे को लगा यार जब मैं परेशान हो गया जबकि मुझे तो रूल्स वूल्स पता है सब कुछ, तो कितने स्टूडेंट हैं जो परेशान और टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो करेक्ट। मैंने वीडियो बनाई उस प्रोसीजर की, ठीक है, और वो टचवुड वो वीडियो मतलब बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही वीडियो बना के डाल दी मैंने, कोई चैनल ऐसे ही बस, और वीडियो इतनी चल गई, उसके बाद इतनी क्वेरीज आई है उस वीडियो पे, और ड्यूरिंग माई मतलब 5-6 साल हो गए यूट्यूब में, जितने भी कॉमेंट आते थे ना, जितने भी लिंक्डइन पे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोशिश करता था सबके रिप्लाई करूँ पहले, तो सबके चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अब मैं माफी चाहूंगा, शायद मैं अब मोस्ट ऑफ द रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, बट मैं कोशिश अभी भी करता हूँ कि मैं पूरे रिप्लाई करूँ, बात करूँ लोगों से। तो मैं कह रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम से नीड क्रिएट हुई, और उसके बाद तो मैंने लगातार बहुत सारी वीडियोज डाली, बहुत सारी, और मेरा पर्पज यही था कि बस हेल्प हो स्टूडेंट्स की ना। तो और अभी भी जॉब के साथ मैनेज कर ले, तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो, मैं कहता हूँ कि यार तुम लोग अपना फ्री टाइम गाने सुनने में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे आपको किक आती है, मुझे किक आती है किसी की वीडियो बना के हेल्प करने में, इट्स ऑल अबाउट समझ किक। गया। तो आपकी इंटेंशन हेल्प करना था और वहां से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ, राइट? हाँ, और वो इंटेंशन कहीं हेल्प, ना कहीं एक तरह से आपका पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट होता जा रहा वो है, तो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इफ वी हैव एनी नीड टू हेल्प अदर्स, सो वी शुड डू इट, राइट? सो यस, आर सोशल मीडिया बेसिक एक पर्पस ऑफ अच्छी, लाइफ इज टू हेल्प अदर्स। ट्रू ट्रू ट्रू, सो ट्रू। ओके सचिन, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं आपके बिग फोर की जर्नी के बारे में। अब ये सारी बात हो गई, आपने ये सारी चीजें कैसे करी, तो आप मुझे ये बताइए कैसा सफर है बिग फोर का? मतलब ये सुनने में बहुत चकाचौंध वाली दुनिया लगती है, राइट? जो बच्चे, काफी बच्चे हैं जो आप ही की तरह SOL से पढ़ते हैं और साथ में CA करते हैं और वो सब करते हैं, और सबका एक सपना होता है मैं बिग फोर में जाऊं, पर क्या वहां सस्टेन करना आसान है या फिर वो और भी डिफिकल्ट है CA करने से? और अगर मुश्किल है तो कैसे एक इंसान को उसे करना चाहिए? हाँ जी, मैं जब सीए बना तो मेरे को बिग फोर का पता था, फिर मैंने बिग फोर में ट्राई किए सीए बनते ही ना, ईवाई में मैं 3 बार रिजेक्ट हुआ इंटरव्यू में, मैंने सारी बिग फोर में रिजेक्ट हुआ हूँ, ठीक है, सारी टॉप 10 में रिजेक्ट हुआ जब मैं नया नया सीए बना, ठीक है। श्योर, ठीक है। हाँ, चाहे वो टेक्निकल स्किल के बेसिस पे हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल के बेसिस पे हो, दोनों स्किल के बेसिस पे मैं रिजेक्ट हुआ, ठीक है। और GMCS में भी मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई थी ड्यू टू सॉफ्ट स्किल, तो उससे फिर मैंने करी कि अच्छा अब तो फिर कुछ करना है, तो फिर मैंने एक मेडियोकर फर्म ज्वाइन करी जो इनडायरेक्ट टैक्स की बढ़िया फर्म थी, और वहां पे मैंने टेक्निकल स्किल को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया अपनी, मतलब आप सोच नहीं सकते, मैंने बहुत पढ़ाई करी टेक्निकल स्किल को,
एक्सेल को और सॉफ्ट स्किल को भी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मैंने इंटरव्यूज देने शुरू करे। और एक टाइम ऐसा था हितेश, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, जो भी है फैक्चुअल बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, मैंने हाँ जी, ऑलमोस्ट सारी बिग फोर टॉप 10 जितनी भी फॉर्म्स का आपने नाम सुना है ना, मैंने ऑलमोस्ट सब में इंटरव्यू दिया है उसके जी, बाद। और सब में मैं सिलेक्ट हुआ था, सब में मतलब चारों बिग फोर में मैं सिलेक्ट हो चुका था। मतलब पीडब्ल्यूसी में तो मैं काम कर ही रहा था पहले, ईवाई में तो मैं अभी हुई, सो वो होने लगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि टेक्निकल स्किल बहुत ज्यादा हेल्प करा मेरा, टेक्निकल स्किल ने इंटरव्यू क्लियर करने को लेकर के। और एक्सेल मुझे आता था, और ऑनेस्टी, हमेशा ऑनेस्टी रखता हूँ मैं इंटरव्यू में ना, बहुत ऑनेस्टी के साथ ही मैंने जवाब दिए हैं हमेशा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद मैं बिग फोर में पहुंचा। बिग फोर की अपॉर्चुनिटी इजिली मिल जाती है, कोई टफ नहीं है, बिग फोर में बहुत ठीक जॉब है, निकलती है, ठीक अपॉर्चुनिटी है, मिल जाएगी। ठीक ठीक है, है, उसके बाद बिग फोर पहुंच गया। बिग फोर पहुंचने के बाद मुझे वहां के एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं था, वहां पे लोग जनरली भी इंग्लिश में बात कर रहे होते थे और हमने कभी ये देखा नहीं, तो मेरे लिए इनिशियली थोड़ा टफ था वो एनवायरनमेंट। बट बिकॉज मेरा टेक्निकल स्किल पे बहुत अच्छा कमांड था अपनी, तो मैं टेक्निकल स्किल के बदौलत अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता गया और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि टेक्निकल स्किल मैंने बहुत ऊपर रखी अपनी ना शुरू से ही टेक्निकली, तो टेक्निकल स्किल के बेसिस पे मैं आगे चलता चला गया। बट क्योंकि टेक्निकल स्किल अच्छी थी, काम में भी मैंने बहुत फुर्ती दिखाई, तो उसका प्राइस के साथ साथ डिसएडवांटेज मिलने हो गए कि काम बढ़ गया मेरा, राइट, और मेरी प्रेशर और बढ़ गया मुझ पे। तो फिर कुछ मतलब डगमगाया मैं, बिग फोर छोड़ी, इंडस्ट्री गया, फिर वापस आया। लेकिन अल्टीमेटली अब मैं बिग फोर में हूँ और बहुत सुकून से, बहुत बढ़िया से मेरी जर्नी चल रही है। मेरे जो कॉलीग्स हैं और जो टीम है बहुत अच्छी है, मेरे को कोई दिक्कत ऐसा सच है नहीं बिग फोर के अंदर। इसका रीजन बिग फोर में सफलता के, मेरे को लगता है कि दो ही रीजन, दो चीजों को मैं सफलता, दो या तीन चीजें हैं जो बिग फोर में आपकी सफलता का राज है। पहली, जिस फील्ड में आप कर रहे हो उसकी टेक्निकल नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक मैंने है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बहुत सारे कॉलीग हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या प्रीवियस, जिस फील्ड में है उस फील्ड की भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको, क्योंकि वो एक बार बिग फोर में ओ घुस गए तो उन्हें लगता है कि ठीक है अब तो हम आ गए ना, तो जो वो काम कर रहे अफसोस, हैं उसकी नॉलेज। तो इस देश में कह रहा हूँ, जो काम आप कर रहे हो उसकी टेक्निकल नॉलेज, उसमें आप अपडेट होनी चाहिए, जो भी अपडेट आई है आपको पता होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज सुपर होनी चाहिए आपकी, पहली। दूसरी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, जिस फर्म में, उसके इंटरनल रूल्स आपको पता होनी चाहिए, व्हाट आर द इंटरनल रूल्स ऑफ दैट कंपनी, राइट। सो दैट अगर आपको इंटरनल रूल्स पता होंगे ना, तो आपको कोई, जैसे लोग कहते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, मेरे साथ एचआर के थ्रू ये हो गया, लेकिन अगर आपको इंटरनल रूल्स बिल्कुल क्लियर है तो आपको कभी भी ऑफिस पॉलिटिक्स और इसका शिकार नहीं बनोगे, बिकॉज योर, आपको पता है कि रूल्स क्या कहता है, तो आप रूल पे जाओगे ना कि किसी की बातों पे। ठीक है, तीसरी मुझे लगता है नेटवर्किंग तो बहुत ही जरूरी है बिग फोर में भी ना, आपको जाने लोग, क्लाइंट के साथ अच्छी इमेज होनी चाहिए, क्लाइंट मैनेजमेंट भी जरूरी है। लेकिन क्लाइंट मैनेजमेंट अल्टीमेटली लिंक है आपकी टेक्निकल नॉलेज और थोड़ी बहुत बात की नॉलेज से, वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो इतना कोई टफ नहीं रहा है हितेश, अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा सचिन। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। तो आप ये कहना चाहते हो कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल, जो टेक्निकल स्किल है, दोनों पे फोकस होना चाहिए। कोशिश करते रहो, बार बार अप्लाई करो, कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आर एम्पल। और अगर वो अच्छे से अपने आप को रीजनेबली प्रेजेंट कर रहे हैं विद ऑनेस्टी, तो देर आर वेरी हाई चांस दे कैन कन्वर्ट द रोल, राइट? और आने के बाद सस्टेन करने के लिए टेक्निकली आपको अपडेट से रहना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होनी चाहिए, और रेगुलर अपडेट रहें, सबसे नेटवर्किंग करें, और आप आसानी से सस्टेन कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच सचिन, सारी बातें हमारी हो गई हैं यहाँ पे। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा, क्योंकि वो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और वो है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ठीक है, जो मुझे लगता है कि आज की डेट में 99.99% हर एक प्रोफेशनल फेस कर रहा है, इरिस्पेक्टिव कि वो सीए है या फिर किसी और रोल में, राइट? क्योंकि वर्किंग प्रेशर बहुत होता है, और आपके केस में बिकॉज आप सीए भी हो, सीएस भी हो, इतने आप मैनेजर हो, आपकी टीम भी है, राइट? और आप अपना पर्सनल चीजें भी मैनेज कर रहे हो, और अभी भी आई बिलीव यू आर आउट ऑफ स्टेशन, राइट? तो कैसे आप ये सब मैनेज कर रहे हो, थोड़ा सा ही बताइए आप उसके बारे में ब्रीफ। ठीक है, और स्ट्रेस हाँ जी, के लिए मुझे लगता है कि आपका ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा, आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं कर रहे हो, आप हमेशा अपने मैनेजर्स को ही बदलते हो, तो आपके जो राइट, मैनेजर है जिनके साथ आप काम कर रहे हो ना, सब कुछ मेजरली उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे आपके स्ट्रेस आपके लूज मूवमेंट में भी आपके साथ है। और मेरे को लगता है कि आपको भी फिर उनके लिए उतना ही प्रेम से काम करना है। एक मैनेजर बहुत बड़ा कारण है आपके स्ट्रेस का, स्ट्रेस को हटाने का भी, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप मैनेजर के साथ डिस्कस करोगे अपने। ठीक है, मैं तो अपने कॉलिग्स को बहुत ही स्ट्रेस फ्री रखना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि जो प्रॉब्लम मुझे आई वो मेरे कॉलिग्स को भी आए, राइट। दूसरा, एक सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी, और सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। कभी भी स्ट्रेस हो रहा है, कभी भी आपको लग रहा है कि बहुत बेकार है चीजें, या तो डिस्कस करो या उसके बारे में सोचो, राइट। और
डिस्कस करोगे ना तो सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप स्ट्रेस लेते चले जाओगे ना तो बिलीव में आपको और स्ट्रेस मिलेगा। जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना ही मिलता जाएगा आपको ना, और दूसरे लोग देते चले जाएंगे। तो या तो आपको डिस्कस करना है, अगर डिस्कस करके भी नहीं हो रही है सॉल्यूशन तो आपको फिर पुशबैक भी करने हैं। आप एक इंसान है, यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर नॉट मशीन। मैं आपको हितेश बता रहा हूँ, जो न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, इतना स्ट्रेस लेते हैं बिग फोर में, इतना स्ट्रेस लेते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं, रोते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, 6 महीने में जॉब छोड़ देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ उनका ना तरीका ही गलत है, क्योंकि उनको गाइडेंस, अगेन उनको गाइडेंस नहीं मिली। अगर वो मेरे साथ आधा घंटा बैठ जाए ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं उनको इतना अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीजें फेस की हैं और आज लाइक है। मतलब मेन मेन पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए कि स्ट्रेस लेना है तो डिस्कशन, पुशबैक करना है, डिस्कशन करना है, अपने आप को टाइम देना है, राइट, ऑफिस का इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, लंच कभी स्किप नहीं करना है। अपने कॉलिग को भी मैं ये बोलता हूँ, लंच हमेशा करना है, मैंने कभी लंच स्किप नहीं किया। जितना आप दबोगे उतना ही दबाए, अगर आप लंच स्किप करोगे जैसे, तो आप फिर ये आपकी इमेज ही ऐसी बन जाएगी तो ये लंच स्किप करना है। तो आपकी जितनी प्रोफेशनल लाइफ की वैल्यू ना, उतनी पर्सनल लाइफ की भी है, लाइफ तो की दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दे रितेश। वंडरफुल वंडरफुल सचिन। तो आप ये कह रहे हैं कि जितना कैपेसिटी में उतना करें, सोच समझ के करें, वर्किंग प्रोफेशनल हैं पर साथ में पर्सनल लाइफ भी है, हेल्थ का भी ध्यान रखें। यस, एंड एक चीज और, आप एक कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप एक कंसल्टेंट है, आप एक सर्वेंट नहीं है। तो हमेशा सर्वेंट कंसल्टेंट की तरह काम करना है। अगर क्लाइंट रात को बहुत मिडनाइट फोन कर रहा है, अगर बहुत सुपर, आप डॉक्टर नहीं है तो वो चीज सुबह भी हो सकती है। तो आप अपने आप को हाँ कंसल्टेंट की तरह ट्रीट करवाए, ना कि सर्वेंट की तरह। वंडरफुल वंडरफुल सचिन, थैंक यू सो मच। मैं देख पा रहा हूँ आप थैंक एकदम जज्बातों के साथ बता रहे हैं, क्योंकि आपने वो चीजें की यू। तो बहुत अच्छी बात है। तो सचिन थैंक यू सो मच, हम यहीं पे कन्वर्सेशन को एंड करते हैं और होप करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलें यस, और किसी टॉपिक पे डिस्कशन करें। तो इट वॉज वेरी वेरी इंसाइटफुल, वेरी फ्रूटफुल फॉर पीपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो आई थैंक थिंक यू वी कैन एंड हितेश, नाउ। हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक यू मच सो हितेश। मच, बाय बाय बाय।